नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, सुनील गावस्कर ने केएल राहुल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि केएल राहुल के टेक्निक और टेम्परामेंट अच्छा है, लेकिन इसके साथ आपको लक की भी जरूरत होती है। केएल राहुल ये विराट कोहली की तरह अपने फर्स्ट मिस्टेक में ही बार बार आउट हो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज विराट कोहली की तरह नहीं दिखती थी। विराट कोहली भी खराब फॉर्म में था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज केएल राहुल से अलग थी। विराट कोहली आउट होने के बाद भी कॉन्फिडेंट नजर आता था, लेकिन केएल राहुल हमेशा कंफ्यूज नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट ओडिया में बैटिंग की है, देख के अच्छा लगा। टीम मैनेजमेंट ने जो बार बार फेथ रखा था केएल राहुल पर, वो इसलिए रखा था, वो एंड तक नॉट आउट रहा और इंडिया के लिए एक अच्छी मैच विनिंग नॉक खेला, और अगर टारगेट बड़ा होता तो शायद वो सेंचुरी भी मार देता। इसलिए मैं खुश हूँ कि केएल राहुल फिर से फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि आगे 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला है और केएल राहुल ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। नंबर टू गाइज, रॉबिन उत्तप्पा ने एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रॉबिन उत्तप्पा ने कहा कि एमएस धोनी एक ओपन पर्सन है, वो कभी भी सोचता नहीं है सच बोलने में, चाहे सामने वाले को हर्ट क्यों ना हो जाए। मुझे याद है कि जब सीएसके ने मुझे पहली बार ऑक्शन में लिया था, तब माही बाई ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुझे चांस मिलेगा या नहीं खेलने के लिए, क्योंकि सीजन अभी काफी दूर है और अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, और अगर तूने अच्छा खेला तो शायद मैं तुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दूंगा। मैंने आईपीएल में तेरा सक्सेसफुल ईयर एंजॉय किए है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेरे फेस पे ये बात बोली थी और उसके लिए मैं उन्हें काफी अप्रिशिएट करता हूँ। और जब हमारा फर्स्ट सेशन था, तब मैंने देखा कि स्क्वाड में सब धोनी को माही बाई बोल रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्हें पूछा कि मैं आपको माही बोलू या फिर माही बाई बोलू। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है वो बोल, क्योंकि इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तू सिर्फ माही बोल। नंबर थ्री गाइस, सुरेश रैना ने 50 ओवर वर्ल्ड कप के स्ट्रेटेजी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सुरेश रैना ने कहा कि मुझे याद है कि विरूपा, युवीपा, सचिन पाजी ये बॉलिंग डालते थे, यूसुफ और मैं भी बॉलिंग डालते थे, और जब जब लेफ्ट हैंडर क्रीज पर आता था तब माही भाई मुझे बॉलिंग डालने के लिए बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक हुडा भी एक फैक्टर बन सकते हैं, जो कि एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छे फील्डर है और अच्छे स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं, और वो अपना T20 का फॉर्म 50 ओवर में लेके आ सकता है। और पहले से इंडिया के पास ये रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल है, और इंडिया में आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलने वाली है, और वर्ल्ड कप में इंडिया के पास काफी सारे प्लेयर्स के ऑप्शन भी हो गए। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हुडा तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन इसके साथ हार्दिक पांड्या भी काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसके होने से एक अलग वेरिएशन मिलता है, और हमने देखा है कि 2011 के वर्ल्ड कप में विरूपा और युवीपा कैसे इम्पैक्ट डालते थे बॉल से, और युवीपा तो एक्सपेक्टर थे, उन्होंने तो अच्छी बॉलिंग डाली थी और वही कॉन्फिडेंस उनके बैटिंग में भी दिख रहा था, और कैप्टन के लिए भी इजी हो जाता है जब बॉलर 4-5 ओवर निकाल के देते हैं, और टीम का बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। इसलिए रोहित ने कोशिश करनी चाहिए कि स्क्वाड में ऑलराउंडर ज्यादा हो। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।